ठीक है, इसमें दो क्राइटेरिया है, देयर आर टू क्राइटेरिया टू डिफाइन डिग्री टू गैसी सिम. नंबर वन इज परसेंटेज ऑफ इनफ्लुएंट गैस इन जनरल बॉडी ऑफ एयर. परसेंटेज ऑफ इनफ्लुएंट गैस इज मोर देन 0.1. कितना रहेगा भैया इनफ्लुएंट गैस का परसेंटेज डिग्री टू गैसी माइन में 0.1 से अधिक रहेगा. ठीक है, नंबर सेकंड क्राइटेरिया इज रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लुएंट गैस. हम डिग्री वन में क्या देखे थे, वहां था रेट ऑफ इमिशन इनफ्लुएंट गैस डज नॉट एक्सीड 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस, बट हियर रेट ऑफ इमिशन इनफ्लुएंट गैस मोर देन 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड but does not exceed 10 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड. कितने क्राइटेरिया भैया डिग्री टू को डिफाइन करने के लिए, एक है परसेंटेज ऑफ इनफ्लुएंट गैस वो 0.1 से अधिक रहेगा, और रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लुएंट गैस जो है वो 1 टन कोयला प्रोडक्शन पर 1 क्यूबिक मीटर से अधिक निकलेगा. लेकिन 1 टन कोयला प्रोडक्शन पर 10 क्यूबिक मीटर से अधिक रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लुएंट गैस नहीं होगा. ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिग्री टू गैसी माइन. ठीक है, जैसे डिग्री ऑफ गैसीनेस बढ़ते जाएगा आपका खतरा भी बढ़ते जाएगा, गैस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो आपको वेंटिलेशन में इंप्रूवमेंट करना होगा, ब्लास्टिंग प्रैक्टिसेस में इंप्रूवमेंट लाना होगा, जो हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हो इंट्रिंसिकली इससे और फ्लेम प्रूफ रहेंगे वो हम अगले इसमें चर्चा करेंगे, नहीं तो एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है, अब डिग्री 3 गैस में देखेंगे.